एक विधवा बहू की शादी। हिंदी स्टोरी। कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी सविता। सविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत प्यारी और लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। सविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, कौशल्या सुनो जी, सविता की 11वीं पास हो गई है, हमारी बेटी दिव्यांग है, इसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में हमें बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर, हाँ कौशल्या सही कहती हो, सविता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई। सविता ने अपने माँ और बाबू जी की बातें सुन ली। वह पास आकर बोली, सविता बाबू जी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? कौशल्या, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आँखों का तारा है। सविता, माँ मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उधर रघुवीर सविता के लिए लड़का ढूंढने लगा था। सविता के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रमा और पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने उसके घर आया। मुकेश, अरे बेटा लड़की का पैर तो खराब है, ये कहते हुए रमा ने सविता को गले से लगा लिया। मुकेश, हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है, हम सविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी सविता को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। सविता, माँ बाबूजी परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वे नहीं हैं, तो ऐसे में मैं उनको छोड़कर नहीं आऊँगी, इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूँगी। सविता के माँ बाबूजी चले जाते हैं, अब सविता अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही स्वभाव का अच्छा था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन ठंड कर कॉलेज जाती है, देखो रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब हो गया। तीसरी औरत का, पहले इस लड़के का घर में आना जाना था ठीक, अब परेश नहीं है, इसे जवान विधवा बहू को नहीं आना चाहिए। लेकिन सविता को किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास सास ससुर उसके साथ थे। रमा, सुनो परेश के पापा, हमारी सविता अब एक टीचर बन गई है, लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश, सही कह रही हो, विधवा के अनाथ नहीं जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी, हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तो लोग कहने लगे, मुकेश तू तो पागल नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? मुकेश, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आकर कहा, गौरव अंकल, अगर आप सविता के काबिल समझें तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश, गौरव हाँ मैं। मुकेश, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा, मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ। तभी मुकेश घर आकर के सविता से कहता है, सविता तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी